के बारे में ना सुबह न्यूज़ पे पढ़ा था, न्यूज़ में भी ये बातें चल रही थी कि वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया कंपनी अपना डेटा चार्जेस बढ़ाना चाह रही हैं। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जियो कंपनी के मुकाबले इन कंपनियों को अभी थोड़ा अपना लॉस देख करके ट्रैफिक चार्जेस ना बढ़ाने की बजाय लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करानी चाहिए कम चार्जेस के अंदर। इससे ये होगा कि इनके यूजर्स नहीं ख़त्म होंगे, जो इनके क्लाइंट्स हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स इनके टूटेंगे नहीं। अगर ये अचानक से नंबर ऑफ मतलब ट्रैफिक डाटा ट्रैफिक के जो चार्जेस हैं बढ़ा देंगे ना, तो इनके और जो क्लाइंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इससे कंपनी को और ज़्यादा लॉस होगा। मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए, एंड बिकॉज जियो ने ये स्टार्ट करा है तो ऑल दी अदर नेटवर्क्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग देयर प्राइसेस, जिस वजह से इट विल अफेक्ट द यूजर्स। एंड आई मीन आई डोंट थिंक कि इसमें लोग इसको यूज़ करना कम करेंगे, बिकॉज डेटा अब सबको ही चाहिए, एवरी डे यूसेज में वी नीड इंटरनेट। तो दिस शुडंट हैपन आई फील। क्रांति लाना चाहते हम, डिजिटल क्रांति, डेटा युग लाने चाहते हैं, डेटा रिवोल्यूशनरी। तो इस हिसाब से ये जो बढ़ा रहे हो अच्छा नहीं है।